हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय के बारे में आपने बहुत जगह पढ़ा होगा या सुना होगा। देखा जाए तो हमारे शरीर में पांच इंद्रियाँ होती हैं, जो हैं आंखें, नाक, जीभ, कान और त्वचा। लेकिन इनके अलावा एक और इंद्रिय होती है जो दिखाई नहीं देती, बल्कि सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है, और इसे ही कहते हैं सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि भविष्य में होने वाली घटना का आपको पहले ही आभास हो जाता है। दरअसल ये हमारी छठी इंद्रिय का ही कमाल है, जो हमें भविष्य में होने वाली कई घटनाओं का पहले से आभास दिलाती है। कई बार तो ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जब मरने वाले व्यक्ति ने पहले ही अपनी मौत के बारे में बता दिया। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय क्या होती है और इसे कैसे जागृत किया जा सकता है। लेकिन यह बताने से पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय क्या होती है। वैज्ञानिकों की माने तो छठी इंद्रिय हर मनुष्य में होती है, और यह मानसिक चेतना से जुड़ी एक प्रोसेस है, और इसी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटना, चाहे वो खुद से संबंधित हो या परिवार वालों से, उसका पहले ही आभास हो जाता है। इस स्थिति में पहले ही आभास के संकेत सपने या किसी दूसरे संकेतों के तौर पर मिलते हैं। अब जानते हैं कि छठी इंद्रिय कहाँ होती है। हमारे कपाल के नीचे की तरफ एक कोमल छिद्र पाया जाता है, जहाँ से सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ से होती हुई मूलाधार तक जाती है। यही सुषुम्ना नाड़ी सात चक्रों और छठी इंद्रिय का केंद्र मानी गई है। आमतौर पर सिक्स्थ सेंस शिथिल रूप में होती है, लेकिन इसे कई तरीकों से जागृत किया जा सकता है। जो व्यक्ति इसे अपने नियंत्रण में कर लेता है, उसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास करने की शक्ति आ जाती है। तो चलिए ये भी जानते हैं कि छठी इंद्रिय के जागृत हो जाने पर क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति की छठी इंद्रिय जागृत हो जाए, तो उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का किसी न किसी संकेत के रूप में पहले से ही पता चल जाता है। छठी इंद्रिय जागृत हो जाने पर हम दूसरे व्यक्तियों के मन के विचार भी जान सकते हैं, और कई मीलों दूर बैठे व्यक्ति की बातें सुनने की भी शक्ति आ जाती है। अगर किसी भी इंसान की सिक्स्थ सेंस पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए, तो उससे संसार में कुछ भी छुपा नहीं रह सकता, और ऐसे में उस व्यक्ति में अनंत क्षमताओं का विकास हो सकता है, जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो छठी इंद्रिय को सक्रिय करने के तरीके भी हम आपको बताते हैं। तो इसका पहला तरीका है प्राणायाम। छठी इंद्रिय को जागृत करने का एक उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम के जरिए सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय किया जा सकता है, और सुषुम्ना नाड़ी के सक्रिय होने पर ही छठी इंद्रिय जागृत होती है। इसके लिए आपको सब कुछ भूलकर सिर्फ प्राणायाम पर ध्यान केंद्रित करना होगा, और ऐसा करके आप कुछ महीनों में अपनी छठी इंद्रिय को जागृत कर सकते हैं। कहा जाता है जब हमारे नाक के दोनों स्वर चलते हैं, तो इसका मतलब है हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है, और ऐसे में ही छठी इंद्रिय भी सक्रिय हो जाती है। दूसरा तरीका आता है ध्यान लगाना। हमारी दोनों बाहों के बीच वाली जगह पर अगर नियमित रूप से ध्यान केंद्रित किया जाए, तो ऐसे में अज्ञात चक्र जागृत होने लगता है, जिस कारण हमारी छठी इंद्रिय सक्रिय होती है। अगर हर दिन 30 से 45 मिनट इस प्रक्रिया में ध्यान केंद्रित किया जाए, तो हमारी छठी इंद्रिय सक्रिय हो सकती है। तीसरा तरीका होता है त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया के जरिए भी हम अपनी छठी इंद्रिय को सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी क्षमता के अनुसार जितनी देर तक संभव हो, बिना पलक झपकाए किसी एक बिंदु या जलती हुई मोमबत्ती को देखें, और फिर अपनी आंखें बंद कर लें। ऐसा नियमित रूप से करने से आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी, और इससे आपकी छठी इंद्रिय भी सक्रिय होना शुरू हो जाएगी। चौथा तरीका आता है योग निद्रा का। योग साधना से भी आप अपनी छठी इंद्रिय जागृत कर सकते हैं। इसके लिए आँख बंद कर एक एक करके अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, और उनमें होने वाली क्रियाओं को महसूस कीजिए। बाहरी दुनिया से ध्यान हटा लीजिए, और ऐसा महसूस कीजिए कि आपके शरीर के सभी अंग शिथिल हो चुके हैं। नियमित ऐसा अभ्यास करने से धीरे धीरे आपकी छठी इंद्रिय जागृत होने लगेगी। तो अब आप जान गए हैं कि छठी इंद्रिय क्या होती है और इसे कैसे सक्रिय किया जा सकता है। तो बस आज से ही इन अभ्यासों को जारी करें, हो सकता है कुछ समय में भी आपकी छठी इंद्रिय सक्रिय हो जाए। इसके बाद भी आप भी अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास कर सकते हैं और अपार शक्तियां पा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।